10 लाख। जी हाँ, हर साल इंडिया में 10 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन एग्ज़ाम्स देते हैं ताकि वो आईआईटीज़, एनआईटीज़ जैसे एस्टीम्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकें। अभी 2022 में ही लगभग 10,20,000 स्टूडेंट्स ने जेईई मेन्स एग्ज़ाम दिया, जिसमें से मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही उसे क्लियर कर पाए। इंडिया में 4,000 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें से 600 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 साल का बीटेक का प्रोग्राम करना पड़ता है। एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इस 4 साल के प्रोग्राम की एवरेज फीस होती है 7 लाख रुपए, और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इस प्रोग्राम की फीस होती है ऑन एन एवरेज 11 लाख रुपए। अब 4 साल पढ़ते लिखते एक स्टूडेंट इंजीनियर बन जाता है। इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें से ओनली 16% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्हें एक अप्रोप्रिएट टेक्निकल जॉब मिल पाती है। ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर इंजीनियर इंडिया में 2.5 लाख पर एनम कमा रहा है, यानी कि लगभग 19 से 20 हज़ार रुपये महीना। अब जिन लोगों की जॉब नहीं लगती, उनमें से कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं, कुछ लोग SSC UPSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, कुछ लोग नॉन टेक्निकल सेक्टर्स लाइक BPO सेक्टर में जॉब्स करने लग जाते हैं, और कुछ लोग बस स्ट्रगल करते हैं ये पता करने के लिए कि उन्हें आगे करना क्या है। इतने सारे इंजीनियर्स, लेकिन एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स ही ऐसे क्यों हैं जिन्हें एक अच्छी जॉब मिल पाती है? बाकी लोग ऐसा क्या गलत कर रहे हैं? इंजीनियरिंग, यस इंजीनियरिंग। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा नियम है, अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई उसकी डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी की वैल्यू गिरने लगती है। ठीक सेम केस इंजीनियरिंग में भी है। अगर आज से 20-25 साल पहले चले, उस ज़माने में इंजीनियरिंग जॉब्स एंड नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चीज़ लगभग बैलेंस में थी। इस वजह से जो लोग उस समय इंजीनियरिंग परस्यू करते थे वो एक अच्छी जॉब भी पा लेते थे। बट प्रॉब्लम होना शुरू हुई इंसान की एप मेंटेलिटी की वजह से, कि भाई अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियरिंग करके अच्छे पैसे कमा रहा है तो हमारा बच्चा भी बस इंजीनियरिंग ही करेगा अब तो। और यही बन गई इंडियन पेरेंट्स की हर्ड मेंटेलिटी। इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए फोर्स करना चालू कर दिया, और फिर क्या था, इंजीनियर्स की सप्लाई बढ़ती रही, इंजीनियरिंग जॉब्स की डिमांड उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाई, और एक गैप क्रिएट होता चला गया, और अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स जो हैं वो बढ़ते चले गए। लेकिन फिर इसका इलाज क्या है? आप, जी हाँ, आप ही वो हैं जिनको ये पूरी सिचुएशन की अवेयरनेस है। देखिए, आपके माँ बाप आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपके पास एक स्टेबल फ्यूचर हो, एक ब्राइट फ्यूचर हो, आप अच्छा पैसा कमाएं, यही चाहते हैं ना। तो अगर आप अपने माँ बाप को ये कन्विंस कर सकें कि इंजीनियरिंग परस्यू किए बिना भी आप ज़िंदगी में अच्छा कर लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे, आपके फ्यूचर ब्राइट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप उन्हें बताइए एग्जैक्ट करियर पाथ आप क्या लेने वाले हैं, आप उन्हें एग्जाम्पल दीजिए उन लोगों का जो ऑलरेडी उस लेवल पे है जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इंजीनियरिंग नहीं तो मैं करूं क्या, तो एक सिंपल सा आप काम करिए, आप जाइए YouTube पे, आपको जो भी करियर पाथ इंटरेस्टिंग लगता है उसके बारे में YouTube पे सर्च करिए कि भाई वो लोग करते क्या है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनका डेली लाइफ कैसा है, उस करियर पाथ को चूज़ करने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट? एंड ये सिर्फ फॉर्मल करियर के लिए नहीं, आप कोई भी करियर, आजकल की डिजिटल एज में इतने नए नए करियर ऑप्शंस आ गए, आप उनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजर कैसे बने, आप एक शेफ कैसे बने, एक ऐप डेवलपर, एक वेब डेवलपर, एक योगा टीचर कैसे बने, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो आप इंजीनियरिंग में कितने सारे डोमेन्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग्स, आप अलग अलग डोमेन्स को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि भाई इस डोमेन के लोग क्या करते हैं, उनका डेली लाइफ कैसा है,
और उसके हिसाब से जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आप परस्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो 4 साल इंजीनियरिंग में एक ही कोर्स पे स्पेंड करने के बजाय हर 6 महीना एक नए करियर फील्ड पे स्पेंड कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं और उसमें एक इंटरमीडिएट लेवल तक तो पहुंच ही सकते हैं। यानी कि जहां तक एक तरफ इंजीनियरिंग में 4 साल आप एक ही कोर्स पे लगाते हैं, वहीं पर यहां पर आप हर 6 महीने में एक नया फील्ड चूज़ कर सकते हैं। यानी कि 4 साल में आप 8 करियर फील्ड्स एक्सप्लोर कर चुके होंगे। पर एक पीस ऑफ एडवाइस है, आप कोई भी फील्ड परस्यू करिए, करिए उसे अपनी शिद्दत से, क्योंकि ये डिसीजन आप ही ले रहे हैं। कंक्लूजन क्या है फिर? कंक्लूजन यही है कि अगर आपको लगता है आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे तो डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग परस्यू करिए, लेकिन अपने आप को अवेयर भी रखिए कि इंजीनियरिंग एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में बस एक बाल्टी पानी की तरह है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। और अगर भूले भटके आपने कोई गलत करियर पाथ चूज़ कर भी लिया तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप कभी भी अपना करियर पाथ चेंज कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। गॉड ब्लेस यू।